So dear student, in the last video we had discussed the group 1 activity. Now in this video we will learn about the group 2 activity. So observe and note. यहाँ पे आपको चीज़ों को देखना है और नोट डाउन करना है. तो पहला क्वेश्चन है कि what are the toilets arrangement in your school? आपके स्कूल में किस तरह के टॉयलेट अरेंजमेंट, ये बिल्टेड हैं, बिल्ट फॉर्म में यानी सीमेंटेड हैं या ओपन एरिया में आप लोग जाते हो. सो हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर, आपके स्कूल में कितने टॉयलेट्स हैं. एंड आर देयर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़, क्या बॉयज़ और गर्ल्स के टॉयलेट सेपरेट हैं, अलग अलग हैं. इज़ देयर वाटर इन देयर टॉयलेट्स, पानी अगर टॉयलेट्स में कहीं पानी आता है तो आता है तो वो कौन सी फैक्टर हैं जिनकी वजह से आता है, जैसे कि द टैप है, नल की वजह से आता है या कंटेनर की वजह से आता है. ओके, तो यहाँ पे आपको येस और नो टिक करना है. इज़ देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट, क्या आपके टॉयलेट के पास कहीं पानी, हाथ धोने के लिए पानी है. येस या नो, डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, आप हमेशा टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपना हाथ धोते हैं, येस और नो. ओके, सो इज़ देयर एनी टैप डैट इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग, क्या एक ऐसा कहीं, क्या वहाँ कोई ऐसा नल है जो लीक कर रहा हो या चूर, मतलब पानी उसमें से निकल रहा हो, चू रहा हो, ठीक है ना. फिर आर द टॉयलेट्स कैप्ट क्लीन, हमेशा टॉयलेट्स साफ रहते हैं. सो फाइंड आउट एंड राइट, आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन स्कूल, आपके स्कूल में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं. हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर द गर्ल्स एंड हाउ मैनी फॉर द बॉयज़, यानी कितने टॉयलेट्स गर्ल्स के लिए हैं, कितने टॉयलेट्स बॉयज़ के लिए हैं. इफ़ देयर आर नो टैप्स, हु ब्रिंग द वाटर फॉर द टॉयलेट फ्रॉम वेयर द डज वाटर डज हैव टू ब्रॉट. सो अगर वहाँ पर नल नहीं है आपके टॉयलेट में तो पानी कहाँ से आता है टॉयलेट में और ये कहाँ से लाया जाता है. सो हु कीप्स द प्लेस क्लीन, कौन टॉयलेट को साफ रखता है. सो टॉक अबाउट इट ऑल्सो. सो वॉट कैन बी डन टू क्लीप द टॉयलेट क्लीन, हम क्या कर सकते हैं टॉयलेट को साफ करने के लिए. वॉट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग. हैव यू सीन टॉयलेट्स एट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, क्या आपने कभी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास टॉयलेट देखे हैं. एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट्स एट होम, वो घर के टॉयलेट और बस स्टैंड और रेलवे पर बने हुए टॉयलेट से किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है, ये आपको बताना है. सो दिस इज़ द चार्ट, ये ग्रुप थर्ड के लिए एक चार्ट है. टॉक विद द चिल्ड्रेन इन योर क्लास, आप अपने बच्चों से बात करिए. फिल द टेबल गिवन ब्लो, इस टेबल को पढ़िए. इन द लास्ट फ्यू मंथ हाउ मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास हैव सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ दिस, तो आपके लास्ट जो पिछले महीने कितने बच्चे कुछ महीनों से जितने भी बीते हुए कुछ महीनों से कौन से बच्चे इस डिजीज़ की प्रॉब्लम को फेस किया, जैसे कि डायरिया कितने लोगों को, वॉमिटिंग, लूज मोशन, वॉमिटिंग, येलो यूरिन, ठीक है ना, एंड येलो पेल फेस और ये स्किन होती है, स्टमक एक, पेट में दर्द, कितने बच्चों को शिकायत थी. डिस्कस विद योर टीचर व्हाट यू हैव फाउंड फ्रॉम आवर योर सर्वे, आप ये टीचर को डिस्कस करिए कि आपने इस सर्वे से क्या मिला आपको. नाउ मेक अ रिपोर्ट विद योर फाइंडिंग्स, अपनी खोज से जो एक रिपोर्ट बनाइए. एंड सजेशन, रीड योर रिपोर्ट इन द असेंबली, अपनी असेंबली में रिपोर्ट पढ़िए. पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड और नोटिस बोर्ड पर उसको पेस्ट कर दीजिए. नाउ चिल्ड्रन शो द वे, यानी बच्चे रास्ता दिखाते हैं, कैसे, देखिए एक एक स्टडी हम लोग पढ़ते हैं. द टू लिटिल वाटर और नो वाटर, यानी बहुत कम पानी और बिल्कुल पानी का ना होना. दिस वॉज सम नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन होलगंडी एरिया ऑफ कर्नाटका, ये कोई नई बात नहीं थी कि वहाँ पे पानी बहुत कम था या पानी ही नहीं था. कहाँ किस एरिया की बात हो रही, कर्नाटका होलगंडी के बारे में, ठीक. सो चलिए, सो द वेल्स वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी डेज, जहाँ केवल बरसात के दिनों में ही पानी कुओं में हुआ करता था. इन द पास्ट थ्री ईयर्स, पिछले तीन सालों से, बीते सालों से, देर वॉज नॉट इवन एनफ रेन, पिछले तीन सालों से पानी भी, बारिश भी ज़्यादा नहीं हुई थी. इवन हैड ड्राइड अप देयर, एवरीथिंग वॉज ड्राइड, यानी सब कुछ सूखा पड़ा हुआ था वहाँ पे. देर वॉज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं था. एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी खेती करने के लिए पानी नहीं था, जानवरों के पीने के लिए भी पानी नहीं था. पीपल हैड टू लीव देयर विलेज, पीपल लोग क्या कर रहे थे, अपना विलेज छोड़ के जा रहे थे और नियर बाई टाउन्स फॉर सम वर्क, और पास के शहरों में अपना कर रहे थे, इमिग्रेट हो रहे थे. सो चिल्ड्रन हैड टू लीव स्कूल टू गो विद द एल्डर्स, और चिल्ड्रन भी अपना स्कूल छोड़ रहे थे क्योंकि वो बड़ों के साथ शहर को जा रहे थे. द विलेज पंचायत वॉज वरीड
जो गांव की पंचायत थी बहुत वरीड हो गई, बहुत मतलब चिंता में आ गई। ऑल द मेंबर्स डिस्कस व्हाट कुड बी डन, और सभी पंचायत के मेंबर्स ने डिस्कस किया क्या हो सकता है। दिस पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर्स, इस पंचायत की बात अनोखी थी क्योंकि इसके जो स्पेशल मेंबर थे वो बच्चे भी हुआ करते थे इस पंचायत में। सो चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ, तो जो बच्चों की पंचायत थी उसे क्या कहा जाता था, भीमा संघ। हैज अवर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज, तो बच्चों की संघ ने जो बच्चे चिल्ड्रंस मेंबर ऑफ द पंचायत थे वो पूछते हैं क्या हमारे यहाँ ऐसे ही पानी की शॉर्टेज हुई रहती है। तो द चिल्ड्रन आज द बड़ों से पूछते हैं, नो इट वॉज नॉट सो बिफोर, नहीं ऐसा ये पहले नहीं था, रिप्लाइड विलेज पीपल, तो गांव लोगों ने के लोगों ने ये आंसर दिया। सम ऑफ द एल्डर्स रिकॉल डैट ऑफ द हिल्स, तो कुछ बड़े लोगों ने कहा कि उस समय को याद किया कि ऊंची पहाड़ी पर एक वाटर टैंक हुआ करता था, द टैंक वुड फिल विद वाटर व्हेन इट रेन, और ये पानी भर, ये टैंक भर जाता था जब बारिश हुआ करती थी, ठीक है ना। दे आर यूज टू फेस इन द टैंक, और इस टैंक में पानी भी मछली होती हैं, मछलियाँ होती थी, ग्रीनरी अराउंड इट, आस पास बहुत सारे पौधे और घास हुआ करते थे। दीज दोज डेज, वो इन दोनों की बात है, इवन द विलेज वेल्स एंड द पॉन्ड यूज टू हैव एन वाटर, जब उस समय कुएं और तालाबों में बहुत पानी हुआ करता था। सो ऑन हियरिंग दिस, इसको सुनने के बाद भीमा संघ डिसाइडेड डैट दे वुड फर्स्ट लुक फॉर द टैंक, तो भीमा संघ ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले उस टैंक को देखेंगे। द टैंक वॉज, फिर क्या हुआ, द टैंक वॉज ऑन द हिल, टैंक कहाँ था, पहाड़ी पर था ये टैंक, और they found that the tank was full of mud and stones, जो उन्होंने पाया कि जो टैंक पूरी तरह से मिट्टी और पत्थरों से फुल था, उसमें भरा हुआ था। एंड हाउ कुड वाटर फिल, कैसे पानी उसमें आ सकता था, तो द टैंक हैड मैनी क्रैक्स, और टैंक के आसपास बहुत दरारें आ गई थी। ओके, सो हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक, तो पानी के टैंक के अंदर पानी कैसे बच सकता था। सो देयर वर नो ट्रीज, वहाँ पे कोई पेड़ नहीं था, ना ही घास थी, कोई ग्रीनरी नहीं था। सो द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने कहा वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन, हमें टैंक को बहुत साफ करना है और इसके आसपास के एरिया को ग्रीनिश रखना है। सो फॉर दिस, इसके लिए इट वाज इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैड बीन बिफोर एंड व्हाई दे हैड चेंज नाउ, तो हमें इसके लिए समझना होगा कि पहले चीज़ें कैसी हुआ करती थी और अब ये कैसे चेंज हो गई। सो दिस वुड हेल्प देम टू प्लान फॉर सॉल्विंग द वाटर प्रॉब्लम, एंड दैट टू ओनली फॉर वन ईयर बट द फॉर द ईयर्स, और हमें केवल उस, तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और केवल वो प्रॉब्लम केवल उसी साल के लिए नहीं सॉल्यूशन होगा बल्कि ये आने वाले सालों के लिए भी ये वाटर का सॉल्यूशन, पानी की जो किल्लत है वो सॉल्व हो जाएगी। सो पंचायत टुक हेल्प फ्रॉम अदर सम एक्सपर्ट टुगेदर, दे मेड अ प्लान टुगेदर एंड दे वर्क फॉर इट, तो पंचायत के मेंबर्स ने एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने एक साथ काम करने का प्लान बनाया। द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन, सबसे पहले टैंक को बहुत अच्छे से क्लीन किया गया। द ट्रैक क्रैक्स वर रिपेयर, जो दरारें थीं उन्हें रिपेयर मरम्मत की गई, और द ग्रास एंड ट्रीज वर प्लांटेड अराउंड द टैंक, और आसपास टैंक के क्या ट्रीज पेड़ पौधे लगाए गए, ग्रास उगाई गई। एज द टैंक वॉज ऑन द हिल, जैसा कि पहाड़ी पर ये टैंक था, अ लॉट ऑफ रेन वो यूज टू फ्लो डाउन द स्लोप्स, तो बहुत सारा बारिश का पानी क्या होता है, ढलान की वजह से नीचे आ जाता था। विद दिस वाटर सॉयल ऑल्सो वुड फ्लो अवे, तो ढलान की वजह से जो पानी के साथ मिट्टी भी आ जाती थी। सो द चिल्ड्रन मेड अ स्मॉल डैम ऑन द स्लोप, तो चिल्ड्रन ने क्या किया, उस ढलान पर एक छोटा सा बांध बना दिया टू स्टॉप द वाटर एंड सॉयल, कि उस जिस ढलान से जो मिट्टी और पानी आ रहा था उसको वहीं पे रोक के रखे। सो देन एवरीबडी वेटेड फॉर द रेन टू कम, तो सभी लोगों ने इंतज़ार किया, बारिश होने का इंतज़ार किया। व्हेन इट रेन, जब बारिश हुई, द टैंक फिल्ड अप विद द वाटर, जो टैंक जो था वाटर से भर गया। एंड द चिल्ड्रन पुट सम फिश इन द टैंक, तो चिल्ड्रन ने क्या किया, बच्चों ने उस टैंक के अंदर कुछ मछलियाँ पाली। एंड दे केप्ट गार्ड टू मेक श्योर डैट नोबडी स्टोल द फिश, और उन्होंने ये उसकी निगरानी भी रखी कि कोई उस टैंक में से फिश चुरा कर ना ले जाए। एंड हार्म द प्लांट्स, और कोई उन पौधों को तोड़कर या हार्म ना करे, उनको नुकसान ना पहुंचाए। वन मानसून वेंट बाय, एक मानसून चला गया, देन एंड एक दूसरा आया, थिंग्स गॉट बेटर एवरी ईयर, सो हर साल चीज़ें अच्छे में चेंज आ रहा था, अच्छा चेंज आ रहा था हर साल। द टैंक फिल्ड विद अ लिटिल मोर वाटर,
प्लांट्स ग्रू, द फिश मल्टीप्लाइड. तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, टैंक भरना स्टार्ट हुआ होने लगा, पेड़ पौधे उगने लगे, फिश मछलियाँ दुगनी हो गई. एंड आफ्टर 2 or 3 years, 2-3 साल के बाद द टैंक रिमेन फुल ऑफ वाटर इवन आफ्टर द रेन्स हैड स्टॉप. तो क्या हुआ, क्या था कि बारिश बंद होने के बावजूद भी टैंक क्या हो रहता था, भरा रहता था. द वेल्स एंड पॉन्ड्स इन द विलेज हैड वाटर अगेन. अब गाँव के कुएँ और पानी तालाब में पानी आ गया था फिर से. द देयर वॉज ग्रीनरी वंस अगेन, वहाँ पर फिर से हरियाली आ गई थी एक बार दोबारा. द पीपल डिड नॉट हैव टू लीव देयर वर्क फॉर वर्क. सो उन जो द पीपल डिड नॉट लीव हैव टू लीव देयर वर्क फॉर वर्क, तो जो लोगों को काम के लिए उन्हें गाँव छोड़ना पड़ा था. द हार्ड वर्क ऑफ भीमा संघ हैड शोन रिजल्ट. तो ये किसकी कड़ी मेहनत थी, जो भीम संघ थी, जो बच्चों की पंचायत थी, उनका एक हार्डवर्क का रिजल्ट था. एंड द चिल्ड्रन हैड शोन द वे, और इस तरह से बच्चों ने रास्ता दिखाया. दोज चिल्ड्रन आर नाउ ग्रोन अप, अब वो बच्चे बड़े हो चुके हैं. बट द भीमा संघ कंटिन्यूज, लेकिन अब भीमा संघ अभी भी पंचायत है वहाँ पे. एवरी ईयर हर साल मोर चिल्ड्रन आर प्राउड टू बिकम इट्स मेम्बर, और बहुत सारे बच्चे इस भीमा संघ के बच्चे के मेम्बर बनते हैं. एंड वर्क टुगेदर टू ऑलवेज लीड द वे, और साथ में काम करते हैं, ठीक है ना. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड. सो दोज हु वॉन्ट्स टू क्रैक द CBSE बोर्ड एग्जाम विद 100% रिजल्ट, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस ईमेल. ओके, सो नेक्स्ट आई विल कम विद द न्यू चैप्टर एक्सप्लेनेशन.